कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसी बीच राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी से बातचीत की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान के मंत्री महेश जोशी जी। जोशी जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ले रहे हैं, कैसा है ये आज का दिन का इमाइन? सबसे पहले तो मैं खड़गे साहब को बधाई देता हूँ। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे अब तक हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल ताकत के साथ में, क्षमता के साथ में, निष्ठा के समर्पण के साथ में काम करते रहे हैं, उसी भावना से हम लोग काम करते रहेंगे। एक नई सोच के साथ राहुल जी ने, सोनिया जी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष चुनावों के जरिए होगा, कांग्रेस जो लोकतंत्र की देश की सच्ची प्रहरी है, कांग्रेस अध्यक्ष का ये लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना, ये इस बात को साबित करता है कि वाकई में ये जो कहा जाता है कि कांग्रेस लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी है, उस बात को भी साबित करता है। देश की किसी पार्टी में इस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, किसी पार्टी में चुनाव नहीं होता, तो कुल मिला के एक नई शुरुआत कांग्रेस की हो रही है। इसमें सोनिया जी के, राहुल जी के संरक्षण में कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। देश की और पूरे दुनिया के कर से कहूँ कि जो अपेक्षाएं हैं कांग्रेस से, उन अपेक्षाओं को पूरा करेगी। मैं आने वाले समय में ये उम्मीद करके चलता हूँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इसके सामने एक नई चुनौती खड़ा करेगी और हम 2023 में राजस्थान में फिर से रिपीट करेंगे कांग्रेस की सरकार को, और 2024 में हम एक बड़ी चुनौती वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके सामने खड़ी कर पाएंगे। जोशी जी का आखिरी सवाल, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले चुनावों में किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, कितना बदलाव देखने को मिलेगा कांग्रेस? देखिए, बदलाव आप देख रहे हैं, एक चूंकि हमारा जो हाईकमान है उसने एक नया एक निर्णय लिया कि लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी अध्यक्ष का चुनाव, इससे भी एक उत्साह बन। राहुल जी ने, सोनिया जी ने इस बात को समझा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया, सोनिया जी को कोई नहीं हटा रहा था, सोनिया जी के सामने कोई चैलेंज नहीं था, राहुल जी के सामने कोई चैलेंज नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव करवाया, ये निर्णय लिया कि हम लोग कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो ये एक बड़ी बात है। एक ऐसा परिवार है गांधी परिवार जो 32-33 सालों से किसी सरकारी पद पर नहीं रहा, तो भी प्रधानमंत्री जी हों, उनकी पूरी पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हों, उन सबका टारगेट वही परिवार रहा। उस परिवार का पूरी दुनिया में इतना मान सम्मान है, देश के आम लोगों में इतनी उनकी जड़ें गहरी हैं कि उस परिवार को हिला पाना अभी तक भी संभव नहीं और आगे भी संभव नहीं होगा। उनके भावनाओं को पूरा करने के लिए खड़गे साहब और सारे कांग्रेसजन देश को मजबूत करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ महेश जोशी, राजस्थान के मंत्री, कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह एवं टीवी दिल्ली।